नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। नागझिरी में अत्याधुनिक नवीन थाना भवन का उच्च शिक्षा मंत्री ने किया लोकार्पण। 8000 स्क्वायर फीट से विस्तृत क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधा युक्त थाने की शहर को मिली सौगात। उज्जैन नागझिरी में अस्थायी नागिन थाना बनने के बाद से एक नवीन थाना भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो आज 8000 स्क्वायर फीट के विस्तृत क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नवीन भवन के रूप में पूरी हुई, जिसमें डिस्केटिंग ऑफिसर के लिए अलग रूम के साथ ही डोवेकेशन रूम व जवानों के रेस्ट के लिए बैरिक है। नवीन थाना भवन का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा किया गया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, ADG योगेश देशमुख, SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला एवं कलेक्टर आशीष सिंह उपस्थित रहे। आज के अवसर पर मेरी अपनी ओर से उज्जैन पुलिस को बधाई, एक नया थाना मिला है। पर्यावरण दिवस भी है आज, वृक्षारोपण के माध्यम से हमने इसका कार्यक्रम का आनंद भी लिया है। लेकिन नागझिरी थाना बहुत दिन से कष्ट में था, एक बहुत छोटे कंटेनर में थाना चलता था, लेकिन आज एक अच्छी सौगात मिली। बहुत अच्छी बिल्डिंग पुलिस हाउसिंग सोसाइटी ने बनाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सुविधा का लाभ सबको मिलेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। एक विषय है कि इंदौर में कांग्रेस प्रदर्शन, बड़ी सौगात मिली है और जैन बस बनने के रूप में नागझिरी में, किस तरह का लोकार्पण हुआ आज, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? निश्चित तौर पे ये एक पुलिस विभाग के लिए एक बड़ा दिन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नागझिरी थाना बनने के बाद से ही हमें एक ऐसे भवन की ज़रूरत थी कि जिसमें हमारे जो पुलिस जवान हैं और सभी लोग एक ऐसे वातावरण में रह के काम करें जिससे उनको उनका मोराल हाई रहे। तो देख रहे हैं अत्याधुनिक जो सुख सुविधाओं से युक्त ये थाना भवन आज माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, इसका लोकार्पण किया गया है। और इसमें लगभग ये 8000 स्क्वायर फीट का भवन है और इसमें हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए अलग रूम है, इंटरोगेशन रूम अलग है, हमारे जो जवान हैं जो उनके लिए रेस्ट रूम जो बैरक के रूप में है वो भी है, और नीचे का पूरा फ्लोर जो है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जो बाकी थाने की रूटीन वर्किंग है उसके लिए होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के और भी भवन हमें आगे मिलते रहेंगे, और इससे न सिर्फ हमारे जवानों का मोराल हाई होता है और उसका फ़र्क निश्चित तौर पर फील्ड में जो ड्यूटीज़ होती है उसमें भी पड़ता है।